राजधानी के नए एसपी शेख आरिफ हुसैन ने मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और संगीन मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करेंगे। बता दें कि राज्य शासन ने सोमवार की देर रात आईपीएस अफसरों में फेरबदल की। इसके बाद शहर के नए एसपी शेख आरिफ हुसैन ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और प्रदेश के जितनी भी बेसिक ट्रैफिक से संबंधित और एंटी सोशल एलिमेंट जैसी समस्याओं पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने छछान पेरी, पंकज बोत्रा हत्याकांड सहित कई मामलों को कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही। इसके अलावा सीसीटीएनएस पर फोकस करने की बात कही। एसपी ने कहा कि जिन जगहों पर रहा हूं वहां मीडिया से अच्छा संबंध रहा है। मीडिया का बहुत अहम रोल रहता है और मैं मीडिया को इसलिए महत्व देता हूँ। देखिए, मेन जो अभी जो शहरों के मेन प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, वो है ट्रैफिक व्यवस्था। तो ट्रैफिक व्यवस्था पर अच्छा खासा फोकस रहेगा। लोकसभा के एंगल से ही हम लोग तैयारी शुरू करेंगे और जितने असामाजिक तत्व है सबसे पहले तो उन्हीं को फोकस करेंगे और तो डीजीपी साहब के मंशा के अनुरूप मतलब लोग धर पकड़ जो है वो तेज करेंगे। और ये भी मैं बोलूंगा, मैं नियमित रखूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं, आप उसको फील्ड में देखेंगे। बोलता नहीं हूँ, करने में भरोसा करता हूँ। पदभार ग्रहण करने के पश्चात अभी अधिकारियों की बैठक लूँगा और जो यहाँ पे बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको प्रायोरिटाइज करने के पश्चात हम लोग एक कार्य योजना बनाएंगे और ग्राउंड के साथ जो स्टाफ है और पब्लिक इनके पार्टिसिपेशन के साथ ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक जो मेजर राजधानी में जो वर्क होता है वो एक प्रेशर के रूप में यहाँ पे पुलिस विभाग काम करता है। उस प्रेशर को कितना आप झेल पाएंगे और प्रेशर को कितना दूर कर पाएंगे आपके स्टाफ से, जो आपके माथहत स्टाफ है? मुझे लगता है कि जो एक अधिकारी होता है उसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो पेशेंस और कूल मेंटेन करने की। तो इसके पश्चात जो भी मुश्किल प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। और ये मेरा अभी 8वां जिला है और मुझे लगता है कि पर्याप्त प्रेशर्स झेल चुके हैं या झेलने के आदि हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो बिल्कुल बेखौफ अपना जो भी कार्य का निर्वहन है वो करें और यहाँ पे हम हैं बाकी के सब समस्याओं से जूझने के लिए। तो बिल्कुल उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा अच्छा काम करने में और उनके अच्छे काम को सराहा भी जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो बेहतर तरीके से और काम कर पाएंगे। प्रायोरिटी क्या क्या चीज़ की होगी सर आप? जैसे कि मैंने बताया कि अभी क्योंकि आज मैंने ज्वाइन किया है तो सबसे पहले यहाँ के जो बेसिक समस्याएं हैं उनसे मैं मुखातिफ होऊंगा और समझने की कोशिश करूँगा, उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज करूँगा। लेकिन जो भी अर्बनाइजेशन के मेन प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि ट्रैफिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जैसे कि आपने बोला नारकोटिक्स का एक इशू है और गुंडागर्दी का एक इशू है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा और लगातार उसके लिए कार्रवाई करनी है, तो हम लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। रायपुर एसपी होने के नाते पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? पब्लिक से मैं यही कहूँगा कि जब हम लोग बोलते हैं कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं उसका मतलब यही होता है कि पब्लिक जो होती है वही हमारे आँख और कान होते हैं और उनके ही बदौलत हम लोग क्रिमिनल्स तक पहुंचते हैं। तो इसके पूर्व के जिलों में पब्लिक का मुझे बहुत ही बेहतर पार्टिसिपेशन मिला है और यहाँ आपके माध्यम से मैं सभी जो हमारे नागरिक हैं उनसे आग्रह करूँगा कि बेखौफ पुलिस के साथ जुड़िए और आपकी कोई भी जानकारी होगी, कोई भी समस्या होगी तो बिल्कुल पुलिस के साथ साझा कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से या डायल 112 के माध्यम से। बिल्कुल आपकी समस्या का हम लोग निराकरण करेंगे और अगर पब्लिक पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी तो जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग एक सस्टेनेबली उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। कि अभी सबसे पहले तो हम लोग लिस्टिंग करेंगे एरियाज़ का, किन किन एरियाज़ में इस तरीके की गुंडागर्दी की कार्रवाई है, उसके पश्चात जो जो वारंट्स पेंडिंग है और बाकी के जो जो खास करके जो युवा वर्ग होता है जो कि गुंडागर्दी करता है, एक पर्टिकुलर नशे के आदि होते हैं तो उनके ऊपर एक हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो एक उसके लिए प्लान है जैसे कि पूर्व के जिलों में भी किया और यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें। जितने अधिकारी कर्मचारी उनकी कार्यशाला करवाई थी कि जनता के साथ कैसे व्यवहार करें और उसका एक बहुत अच्छा मैसेज गया था, एक बहुत अच्छा उसके वजह से स्वभाव और उनके इसमें परिवर्तन आया था और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वो कार्यशाला हम लोग लगातार, क्योंकि अभी टाइम कम है क्योंकि चुनाव अभी जल्द ही
मतलब डिक्लेयर भी हो सकते हैं। तो जैसे भी वक्त है मुझे लगता है ये कार्यशाला हम लोग कराने की कोशिश करेंगे और जनता और पुलिस के बीच की जो दूरी है इसको पाटने की कोशिश करेंगे ताकि उनके संबंध मधुर हों। For more information, log on to www.clips.in.